देना और काम नहीं करना, आंकड़ा देकर काम नहीं करना मुझे लगता है कि घोर अपराध है। अगर हम उस दिशा में काम करेंगे, स्किल अपग्रेडेशन की बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर। आप अभी क्या बोले, आंकड़ा देख, आंकड़ा दे के काम नहीं करना घोर बर्बादी की बात है, जो कांग्रेस की अपराध है, घोर अपराध है। फिर तो मोदी जी भी एक बार आंकड़ा दिए थे। आप देखिए, कांग्रेस ने झारखंड में भी दावे किए थे। आप अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र निकाल के देखिएगा कि झारखंड के संदर्भ में कांग्रेस की टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी बीजेपी की तरफ से तो नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां। आपने कांग्रेस का पात्र किया, इसलिए मैं कह रहा हूं। गोड्डा भाजपा विधायक अमित मंडल ने कहा, कांग्रेस करती है खोखले वादे, आंकड़े देकर नहीं पूरा करना है घोर अपराध। कांग्रेस नहीं कर पाएगी कोई भी वादा पूरा। वहीं भाजपा के नौकरी के वादे खोखले हुए, जब ऐसे सवाल किए तो विधायक महोदय गोलमोल जवाब देकर बसते दिखे। बता दें, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो गया है जिसमें नौकरी देने की बात भी कही गई है। वहीं भाजपा सरकार में बढ़ी बेरोजगारी भी हमेशा सवालों में रही है। यही कारण है कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाया है। इसी को लेकर आज गोड्डा से भाजपा के विधायक अमित मंडल से सवाल किया गया। विधायक अमित मंडल ने कहा, कांग्रेस अपना वादा कभी भी पूरा नहीं कर पाएगी। विधायक ने कहा, झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, क्या ये वादा पूरा हुआ? वहीं जब अमित मंडल ने कहा कि आंकड़े देकर पूरा नहीं करना अपराध है, तो पत्रकार ने पूछा, क्या मोदी सरकार ने अपराध नहीं किया? अमित मंडल ने कहा, आप सभी जानते हैं झारखंड में नौकरी की क्या स्थिति है। केंद्र सरकार से नौकरियां मिली है, हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमने रोजगार दिए हैं। सुनिए अमित मंडल क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ने झारखंड में भी दावे किए थे। आप अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र निकाल के देखिएगा कि झारखंड के संदर्भ में कांग्रेस की टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी की तरफ से तो नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां। कांग्रेस का पात्र किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस ने स्टेट गवर्नमेंट का जब चुनाव हो रहा था तो हर घर सरकारी नौकरी देने का बात किया था। आज की डेट में आपको भी पता है क्या स्थिति है, इसलिए कांग्रेस की बात करना आज की डेट में इररिलेवेंट है। वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो उनका मैटर है, मुझे पता है कि वो उसको फुलफिल नहीं कर पाए। मैंने कहा है कि हमारे संकल्प पत्र में क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों के बारे में बात की गई है। आंकड़ा नहीं है मेरा सवाल, ये निश्चित तौर पर नौकरी का आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा के लिए बात कही जा रही है। आंकड़ा देना और काम नहीं करना, आंकड़ा देकर काम नहीं करना मुझे लगता है कि घोर अपराध है। अगर हम उस दिशा में काम करेंगे, स्किल अपग्रेडेशन की बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर। आप अभी क्या बोले, आंकड़ा देख, आंकड़ा दे के काम नहीं करना घोर बर्बादी की बात है, जो कांग्रेस की अपराध है, घोर अपराध है। फिर तो मोदी जी भी एक बार आंकड़ा दिए थे। आप स्टेटमेंट निकाल के मोदी जी आंकड़ा दिए थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां होंगी। आप वो स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए जी, और मोदी जी ने किन किन क्षेत्रों में काम किया है, किन किन नौकरी दी है, फिर मैं आंकड़ा आपको दे। बीते 5 साल में कितनी करोड़ नौकरियां केंद्र सरकार के द्वारा दी गई? पिछले 5 सरकार में अगर आप प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर सारे आंकड़ों को निकाल देंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा और सम्मानजनक स्थिति में यहाँ पे नौकरियां हुई है। अग्निवीर का आप 2 बार विधायक रहे हैं, आपके पास भी आंकड़ा जानकारी होगी, आप भी बराबर कार्यक्रम। मैं तो बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, 2 बार विधायक रहे हैं उसको बात नहीं, बात ये है कि आपको भी बता, आज की डेट में जितनी भी नौकरियां हो रही है राज्य सरकार एक भी नौकरी नहीं दे रही, ये मैं आपको दावा दे, या मानते कि नहीं? ठीक, राज्य सरकार 4,000 से ज्यादा नौकरी नहीं दे पाई है जेपीएससी और जेएसएससी को। ठीक, तो जब 4,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी नहीं दे पाई है तो सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर नौकरियों के बारे में पूछना चाहिए राज्य सरकार से। केंद्र सरकार की बात जो आप कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, चाहे रेलवे की भर्ती हो, चाहे एयरफोर्स की भर्ती हो, या किसी की भर्ती हो, आज की डेट में यदि सरकारी नौकरी मिल रही है वो केंद्र सरकार के बदौलत मिल रही है, राज्य सरकार के बदौलत कोई नौकरी नहीं। उसका आंकड़ा कितना? अब आंकड़ा मैं आपको अभी बता दूंगा कुछ, और वो आंकड़ा गलत हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि गलत आंकड़ा, इसीलिए मैं क्रेडिबिलिटी के साथ और मैं स्पष्टता के साथ वो आंकड़े आपको दे दूंगा। दूसरा एक सवाल है कि बराबर ये बीजेपी समर्थित कई संगठन के द्वारा कहा जाता है हिंदू राष्ट्र, किसने कहा हिंदू राष्ट्र? भारत का संविधान ही कह रहा है सेकुलर राष्ट्र, तो फिर बोला किसने हिंदू? भारत का संविधान कहा है? मसलन आप हिंदू राष्ट्र की मांग को खारिज करते हैं। भारत का संविधान आपसे अलग और मेरे से अलग नहीं है ना, भारत का संविधान ही कह रहा है सेकुलर, तो भारत के संविधान से तो कोई बड़ा नहीं। जो लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं ये सवाल उनसे अगर आप पूछेंगे तो बेहतर स्पष्टता दे पाएंगे वो किस संदर्भ में कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जब तक संविधान है भारत सेकुलर स्टेट है और सेकुलर स्टेट रहेगा।